everyone, welcome back to my new YouTube video. You are watching Kashish Vlog. कैसे हो आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ guys. अब आपको दिख रहा होगा हम सभी नहा धो के रेडी हो रहे हैं guys. अभी हम वहाँ पर भी नहीं है, मीन्स हम है तो यहीं पर हम मामी के घर से ना यहाँ आ गए थे गंगानगर. हमने सोचा कि हम यहाँ पे अब जागरण कंप्लीट हो गया है तो हमने सोचा हम थोड़ा घूम भी लेंगे. और नोना कंफर्टेबल नहीं हो पाई थी बिकॉज नोना को हर जगह बहुत गर्मी लगती है, इसको हर जगह ऐसे रहना होता है कि मेरे को कोई परेशानी ना हो. तो नोना परेशान हो रही थी तो हमने सोचा कि चलो हम गंगानगर चले जाते हैं, वहाँ थोड़ा घूम फिर भी लेंगे और थोड़ा भाई पे स्टे करके फिर गंगानगर से रात की हमारी ट्रेन है 9 बजे की, तो हम वहीं से फिर ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे. तो अभी हम आए थे गंगानगर. मैंने आपको अपना रूम एंड मैं सब आपको अपना आगे दिखाऊंगी. हम सब नहा के रेडी हो रहे हैं एंड गाइज मैंने आपको ना वो वाली क्लिप्स पहले ले ली थी जब मैं रूम में हमने एंट्री करी थी बिकॉज ये सब एक मिनट में ही गंदा कर देते हैं. और अब मैं नहा के आई हूँ तो मैं अब स्टार्टिंग कर रही हूँ, तो वो वाली क्लिप्स मैंने पहले ही बना ली थी गाइज. और ये जो मैंने पहना है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है. और ये मैंने ना अपनी बहन का पहना, उसने मुझे दिया है गाइज और बार बार बोल रही है बार बार. हाँ इसने गाइस मुझे दे दिया और गाइस हमेशा के लिए ही दिया. और ये सब लोग और गाइस रूम भी काफी अच्छा, वैसे तो मैंने आगे आपको दिखाया है तो आप आगे देखना पूरा. बाकी अब हम कुछ सब नहा लें उसके बाद हम सारे जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए बिकॉज भूख लगी है बहुत तेज हो गई. गाइस IPL देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन दे के जीतो काफी सारे प्राइजेस, वो भी लोटस 365.in पे. यहाँ रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस, जैसे 50+ तरह में आप अपना ओपिनियन दे के जीत सकते हो काफी सारे प्राइजेस. लोटस 365 पे जाकर रजिस्टर करो और पाओ 365 का बोनस. यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 कस्टमर सपोर्ट भी. यहाँ खेलते हैं गाइस 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स. यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चन होते हैं जहां आप अपना ओपिनियन दे देकर जीत सकते हो काफी सारे प्राइजेस. तो जल्दी से जाओ रजिस्टर करो. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो देर मत करो जल्दी जाओ रजिस्टर करो lotus365.in पे. लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में. हमारा रूम जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं. लाइट्स वगैरह ऑन, सारा सामान ना एक कॉर्नर में रख देना, बाहर की साइड ही करो, बाहर की यार कबर्ड सही है. सारा सामान ना कबर्ड में डाल दो. यू क्या दे दिया ना मुझे? ओ फ्रिज भी है. अरे ऋषि इसको देखो, इसको ओए बेड पे रखो बेबी को. ओए लाइट्स और फैंस तो ऑन करो. कहाँ जनरेटर चल रहा है मैम? अच्छा चल रहा है जनरेटर. हाँ मैट्रेस की नीड तो बढ़ेगी. एक बंदा सोफे पे, दो लगा दिया. गाइज वैसे तो हमारी रात की 9 बजे की ट्रेन है वापस अपना दिल्ली जाने की, बट हम अभी वहाँ से आ चुके हैं. हम गंगानगर अभी स्टे कर रहे हैं, यहीं पर रहेंगे थोड़ी बहुत देर. हाँ बेटा को भी सिखाओ मैनर्स. चलो टीवी में लगाओ सावधान इंडिया. गाइस हम सब सबसे पहले नहाने जा रहे हैं. सब जाओ सब नहाओ. निशी यहाँ नोना को नहीं ला दे पहले. जीन्स हाँ मेरे पास नाइट सूट नहीं है. मैं जीन्स लाई हूँ ना. हाँ नहीं गाइज हम सब निकालेंगे अपने कपड़े और नहाएंगे सबसे पहले. मेरा वो है ना ब्राउन वाली पर्सनल. यहाँ का वॉशरूम बहुत अच्छा है, मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ. अभी हम कहाँ रूम? अरे निशी यार लाइट नहा रहे हो क्या? हमारे यहाँ घर में कभी नहीं था ये. देख चल भैया शैम्पू मिल गया. अंदर निशी तो खोल के तो कोई भी नहीं नहाएगा. नहाएंगे तो वैसे भी सब बंद करके ही कह रही है, ऐसे बंद करके नहाते हैं.
गाइज अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले नहाने, मुझे ना इतनी मौत आ रही है ना गाइज गर्मी की वजह से, मेरा मन सच में कर रहा है कि मुझे कहीं पानी मिल जाए, मैं उस पानी में डूब के मर जाऊँ, क्योंकि मुझे सच में इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही है ना। और गाइज हम लोगों को एसी की इतनी गंदी आदत पड़ी हुई है ना कि मतलब हम कहीं चले जाते हैं और बाहर गर्मियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें बाहर घूमना फिरना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा मेरे से तो ट्रैवल भी नहीं होता बाहर गर्मियों में, इतनी मौत आती है घूमने में कि यार इतनी गर्मी इतना ये इतना वो। बट अभी मैं सबसे पहले नहा रही हूँ, वैसे मैं हेडवॉश करके आई थी, नीड नहीं है, पर गाइस मैं सोच रही हूँ सबसे एंड में मैं नहाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं 3-4 घंटे तक नहाती ही रहूँ, तो देखते हैं कौन कब नहाएगा। देखना गाइस चप्पलों का भंडार, सबसे ज़्यादा मज़ा नोना को आ रहा है देखना। गाइज हम लोग ना कहीं भी घूमने जाते हैं तो मोस्टली पापा बहुत कम हमारे साथ जा पाते हैं, तो पापा मम्मी देखना हाँ मतलब ना जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो पापा ऐसे नहीं बोलते, पर जब से नोना है ना पापा तब से यूं ही कहेंगे नोना नहीं परेशान होनी चाहिए, और नोना तो इतनी खुश हो रही है। अंशु इसको यहाँ बिठाइयो इसके ऊपर, अरे देखिए किस कर रही है भाई, बैठ नहीं देख रही कभी, नोना क्या हो गया, मैं पहली बार बैठ के सो रही हूं। कोमल इसको इधर बिठाइयो, एक बार इधर ऊपर यहाँ पे बिठाइयो इसको, अरे मम्मी जब नोना हुई थी छोटी छोटी नोना गर्मी के मारे कितनी पागल होती थी, एसी एक मिनट नोना में बंद नहीं करने देती। ये नोना कहाँ चला गया, ये हेलो बर्गर लियो मेरी बेटी कोमल पकड़ पाओ, गिर कोमल नहीं तो फिर उधर कर दे। चलो गाइस बाहर होटल में हम रुके हैं, यहाँ पर ना रेस्टोरेंट भी है इसी के अंदर, तो अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए क्योंकि हम लोगों को काफी तेज भूख लग रही थी, और फिर हम सब आ गए गाइस देखा, ये इसी में मीन सेकेंड फ्लोर से रूम स्टार्ट है, और बाकी यहाँ पे खाने के फर्स्ट फ्लोर पे ये खाने के लिए, और नीचे और मिल्क शेक वगैरह शेक्स वगैरह हैं, तो बहुत अच्छा है ये पूरा। सबसे पहले कुछ शेक आया है, और भैया ने कहा कि ये यहाँ का सबसे फेमस कुछ है, तो हम टेस्ट करते हैं क्या है ये, क्या है वो यार, ये भी बहुत टेस्टी है मम्मी, ये भी बहुत टेस्टी है, ये सही में मेरे पास रखा है, स्ट्रॉबेरी टेस्टी है, ये भी बहुत अच्छा है, क्या जीरा टेस्ट करा अपने खुद का मैडम, यहाँ का फेमस है ये तो अच्छा, पर ये तो जबरदस्त है मम्मी, इसकी पेटी है, हाँ हाँ इसकी पेटी खरीद ली मम्मी ने, ये की थी चाउमीन ऑर्डर, ये आपका चिकन होगा, डिफरेंट है देखो, इसके ऊपर किशमिश रखी हुई है, चीज बर्गर, और अब छना भटूरा खा रहा है, सब ये छना भटूरा बोलते हैं और हम छोले भटूरे बोलते हैं, और सब खत्म हो गया, अभी और आ रहा है, सबने खा लिया खाना, और अब ना नींद आ रही है, पर अभी भी ट्रेन का टाइम होने गाइस, ट्रेन का टाइम होने में अभी भी 1-2 घंटे हैं, तो इसीलिए अब हम थोड़ा सोएंगे मजे करेंगे, और रूम में हम एसी चला के गए थे, काफ़ी ठंडा हो गया, हम लेटेंगे गाइस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और उसके बाद हमारी ट्रेन है तो हम चले जाएंगे, ट्रेन में भी सोते सोते जा रहे हैं हमने, क्या कर रहे हो इतने चिपक चिपक के, क्या चल रहा था भाई, भाई 10 बजे की ट्रेन है, 9:30 हो गए, पीले बाबू बाबू ओए 9:30 हो गए, पूरे 10 बजे की ट्रेन है भाई, गाइस हम लोग ना थोड़ा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि हमने कहा हमें थोड़ी देर में क्योंकि आया है मनुज कहीं के हमें गाइस, अरे चलो भाई उठो,
मैं तो सोचती रहेगी रेस्ट करने गाइस। तो हमारी 10 बजे की ट्रेन है, 9:30 में बज चुके हैं, हम निकल रहे हैं। हमने सोचा था थोड़ी देर सोएंगे गाइस, पता नहीं इसको देखना मम्मी, इसको देखना भाई साहब सुन के ज्यादा मास्टर शेफ लग रही है एकदम ऐसा फुल मजे लेते तू और नोना हैं। अरे यार एसी दल्लू साले दिख जाएगा एसी उतरने की चीज है इतनी सी देर के लिए रुके थे होटल हमने मम्मी यार हमने बस सुबह से पता 5-6 घंटे के लिए होटल लिया ना। मैं तो बोल रहा हूँ कितने का मिला था होटल एक बार बताऊँ ये दिमाग जब मैं तुम्हें सुबह से ही गई थी तो तुम सुबह से निकल लेते मम्मी कितने का मिला था होटल मम्मी ये रूम कितने का मिला था 1800 गाइस हमें 1800 का मिला था वैसे तो कल तक के लिए बट हमें रुकना ही इतना रकम जा रहे कल तक के लिए तो चाहे आप 1 घंटे भी रुको पूरे दिन का ही चार्ज लेते हैं तो गाइस अब चल रहे हैं। हाँ रूम का लाइट खोल रहा है गाइस सही में। अंशु क्या कर रहा है। चलो गाइस जैसे ही ट्रेन में हम आए थे ना अभी हमारे जाने के लिए भी वैसी ही ट्रेन है मतलब उसमें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं आएगा। तो मैंने अभी किसी को भी नहीं बोला कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैंने बस बोला मैं नीचे जा रही हूँ आ रही हूँ थोड़ी देर में क्योंकि गाइस सामने ही शॉप है। मैं सोप लेके गई थी शैम्पूज वगैरह लेके गई थी तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे बड़ी सी मंडी में बहुत सारा खाने का सामान भरवाने के लिए क्योंकि ना उस वाली ट्रेन में जहाँ पे भी रुकती है तो कुछ खाने के लिए नहीं होता और ना ही ट्रेन में कुछ आता तो हम भूखे मर जाते हैं गाइस और हम यहाँ से अब कुछ खाने के लिए लेके भी नहीं जा सकते तो इसीलिए मैं शॉप पे जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं गाइस ताकि हम वहाँ खाते रहे जाके चलते हैं गाइस। चलो इतना सारा सामान लिया है यहाँ पे अब देखते हैं बिल कितने का बनता है। ये भी अंकल कह रहे थे बहुत टेस्टी है तो मैंने ले लिया गाइस। मेट्रो ट्रेन में इतनी भूख लगती है तो अच्छा है ये सारा सामान भर के ले जाएंगे। मैं किसी को भी बता के नहीं आई गाइस मैं कहाँ आई हूँ और मैं थोड़ा दूर भी आई हूँ। हमारा यहाँ से स्ट्रेट जाके फिर गली में जाना है उसके बाद हमारा रूम आया होटल आएगा और मैं यहाँ तक आई हूँ क्योंकि वहाँ कोई शॉप ही नहीं थी तो मुझे यहाँ आना पड़ा सामान लेने के लिए। सारे चॉकलेट्स भी अंकल के पास काफ़ी है, काजू की बर्फी भी है। कितना हो गया अंकल आपके? 700 हो गए। 700 हो गए। इनको सारा सामान नीचे आ चुका है और मैं देखना गाइस कितना खाने का सामान लेके आई हूं। और एक चॉकलेट गाइस मैं अपने लिए मुझे पसंद है ना तो ये वैसे तो ये सब खाएंगे इसमें बहुत कुछ लेके आई हूं गाइस मैं। बाकी ये लोग पता नहीं कब आएंगे तो मैं ऊपर नहीं जा रही क्योंकि ये लोग आ ही रहे हैं नीचे। अभी एक शेक मीन्स हमारा रेस्टोरेंट है साथ में और इसके साथ में ये शेक की शॉप भी है जो इन्हीं की भैया की है मतलब इन्हीं की है जिनका रेस्टोरेंट है। यहाँ से अभी मैंने लिया तो है, भैया ने बोला जो हमारे यहाँ का सबसे अच्छा है वो आपको दे रहे हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है टेस्ट करके देखेंगे फिर कैसा है। तो भैया ने कहा मैं ला के दे दूँगा, मैं वहाँ बैठ जाऊँ जाके। ये देखो गाइस कितनी सारी वैरायटी है। बच्चा ना ना कहाँ जा रहा है, बाहर चले बाहर चले। बाहर मत जाओ कोमल, नहीं आ जाओ मेरी नहीं से बोल दिया बना के ला रहे। ये ऑर्डर देके आई थी पता नहीं इसका नाम क्या है, केसरी बादामी फलूदा विद मिक्स आइसक्रीम। मासी मम्मा दे रही, लो चम्मच लो मेरे बेटे। गाइस देख रहे हो इसका मम्मा, इसको ये खाना है ना इसलिए इसका मम्मा मम्मा हो रहा है इतना। खिला रही हूँ बेबी एक मिनट रुक जाओ। हम चल रहे हैं, मम्मी भी आ चुकी हैं हम नीचे और हम चल रहे हैं गाइस। आओ खिलाऊंगा इसमें, पहले इसे खिलाऊँ वैसे टेस्टी है मैंने अभी पी के देखा है। बाकी चलो खाते पीते हैं इसे फिर बता। आ चुके हैं ट्रेन में और गाइस ये है ना हमें वापस जाने के लिए अच्छी ट्रेन नहीं मिली थी तो मम्मी ने ली बहुत गंदी हो रही थी तो हमने कंप्लेंट करी तो रेलवे की तरफ से बंदे आए, रेलवे का स्टाफ आया गाइस क्लीन करने के लिए। बीकानेर से आती है तो वो बोल रहे हैं यूट्यूब वाले सब बोलते हैं ना कि क्या करते हैं अब पता लग जाएगा रेलवे में आऊंगा वो डंडे भी क्लीन कर देंगे और गुनु जरा गुनु ना पकड़ेगी। हां गाइस तो ना ये बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी तो अभी जीजू साफ कर रहे हैं।
वरना ऊपर ना बहुत मिट्टी थी नीचे से तो, और यहाँ से सारी मैंने क्लीन कर दी। अब जीजू ना ऊपर से कर रहे हैं, हाँ वो मैंने करी, ये कोमल ने करी, और मैंने ये डंडे वंडे सब साफ कर दिए क्योंकि हमें एसी वाली नहीं मिल रही थी। कोमल कहाँ है? कोमल क्यों कर रही है? कोमल पाइप है पानी का, ऐसे मत कर। गाइस जीजू अभी जीजू ज्यादा मत कर, थोड़ी थोड़ी कर दो, अब दूसरी कर दो। तब ये कर रहे हैं साफ इसको, और फिर हमें ना गाइस एसी वाली मिलनी पड़ रही क्योंकि इतनी जल्दी में हमने 17 को हमें 16 को हमें आना था, 14 15 को हम टिकट कराने गए हैं, तो उस वजह से गाइस फिर ऐसे ही काम होते हैं हमारे सारे। थैंक यू सर, दिखाना है ऊपर व्लॉग में कैसी होगी। गाइस देखो जरा कैसी, बहुत गाइस धूल इतनी हो रही थी, आप सामने देख सकते हो सीटों पर कितनी धूल रही है, पर अपनी देखो। अब गाइस रेलवे का स्टाफ बहुत अच्छा है ये वाला गाइस। चॉकलेट लाई थी मैंने, खोली और अब हमारे कोमल वो कौन है ये इसी पैसे ना थोड़ी काट लो। अरे ओए लिया यार ये तो, गाइस देखना साफ करी और ऊपर जाके बैठ गए। रेलवे स्टाफ के बंदे यहाँ क्या कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं जा रही है सफाई करने? सफाई करिए यूं तो बचेंगे कम। गाइस और अब आए हैं वो सफाई करने वाले, इन्होंने सफाई कर दी ना, तो वो देख ली, वो देख ली इन्होंने, देख ली इन्होंने भूख लगी। क्या कर रही है मम्मी, बाहुबली की बंदी वो लंबी हो जाती है, कर दो। गाइस तो ट्रेन भी चल चुकी है, अब ये गाइस बिजली देखो कितनी तेज कड़क, पिटारा खुल चुका है चीज का। ओए निशी थोड़ा उधर हो, सारा सामान यहाँ गिर और देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पुनीता आप गिर दो सारा सामान सीट पे, जिसको जो चूज करना होगा खा लेगा लेके। आप दोनों सुनते क्यों नहीं हो? गाइस इसे तो आवाज ही नहीं आती कभी चूजे को, क्लीनिंग के लिए भी आ गया गाइस अभी। ओए नीचे कोई कुछ नहीं फेंकेगा, अमूल के दूध है दे दो। उसके बाल देखना गाइस, ट्रेन में लिया था खाना और वो तो हम खा भी गए, खत्म भी हो गया और यहाँ हम खा रहे हैं चारों। ये मैं नहीं लाई, ये पता नहीं क्या मैं ये खा रही हूँ, पीनट्स ये रखो नहीं तो। बाकी बाहर बहुत तेज हवा चल रही है गाइस, लोग आ चुके हैं घर अपने। गाइस अपने घर वाली बात ही होती है, कहीं और जाके वो बात नहीं फील होती। रास्ते में गाइस और सच में इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी हम सच में पागल हो गए जाके, और बाकी आने में भी आने जाने में भी। वैसे आते जाते टाइम भी हम एसी में गए थे तो वहाँ तो हमें गर्मी लगी नहीं, आते टाइम हमें नहीं मिली थी एसी वाली ट्रेन, तो गाइस हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई थी गर्मी में, हम कभी ये कर कभी वो कर। बाकी रात को बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मौसम बहुत ठंडा हो गया था, तो एसी की नीड भी नहीं पड़ी। फिर तो हमें विंडो भी बंद करनी पड़ी थी क्योंकि इतनी तो बारिश अंदर आ रही थी, ऊपर से इतनी ठंड भी लग रही थी, और ऊपर से इतने महान हम लोग हैं कि ब्लैंकेट लेके हम जाते नहीं है, बस एक मैं ले गई थी, एक नोना के लिए मम्मी ले गई थी, तो उन्हीं दो ब्लैंकेट्स में हम सब ने काम चलाया, थोड़ी थोड़ी देर सोए ब्लैंकेट ओढ़ ओढ़ के। बाकी अब हम आ गए घर पर, अब सब रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर लेटेंगे, और मैं जा रही हूँ सबके लिए ग्लूकोन डी बनाने, बिकॉज इतनी गर्मी से आए हैं तो ग्लूकोन डी ज़रूरी है काफ़ी गर्मी में। देखो लोग नहा नहा के तैयार हो क्या, नहाए तो है नहीं, पानी में ओए पानी ना मैंने एकदम चलाया मुंह धोने के लिए, पानी गर्म आ रहा, मैंने कहा हमारे इधर के पानी को क्या हो गया, मैंने कहा तू तो ठीक रह लेगा इस, वहाँ पे ना नहा पा रहे थे पानी बहुत गर्म आ रहा था, मैं यहाँ पे एकदम नल का खोला मुंह धोने के लिए पानी गर्म आ रहा, मैंने कहा इसे क्या हो गया, मैंने कहा तू तो ठीक है गाइस, ऐसा मन कर रहा है कि बस पानी में पड़े रहो ठंडी जगह। मैं तो बोल रही हूँ चलो तुम्हें लोग नहीं चलते, तो चलेंगे ना दो दिन बाद चलेंगे, एक दो दिन, दो दिन का काम है मेरा वो खत्म हो गया। दो दिन के बाद गाइस हम प्लान कर रहे हैं या तो ऋषिकेश जाने, या तो नहीं यार ऋषिकेश ही जाएंगे है ना। और ऋषिकेश से कहीं और भी जाएंगे, सिर्फ ऋषिकेश और गाइस सबसे ज्यादा एक्साइटेड है हम ऋषिकेश में राफ्टिंग करने के लिए, क्योंकि हमने पहले करी थी हमें बहुत मजा आया था, तो इस बार भी हम करेंगे। प्रेरणा तो कर नहीं पाती क्योंकि भैया ने ही मना कर दिया था स्टिचेस की वजह से कि आप मत करो, तो हम लोग करेंगे। मैं अभी तो हम चारों ही प्लान कर रहे हैं, मे भी पुनीत मैं जीजू और प्रेरणा, तो हम चारों ही जा रहे हैं, तो फिर हम तीनों कर लेंगे। बाकी चलो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। इस वाले को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय।